जादू रघु हुए एक और हो रहा है सोशल मीडिया पर धमाल बवाल तांडव, यानी कि जादू रघु पवन सिंह और खेसारी लाल यादव हो गए एक, यानी कि करण अर्जुन दोनों भाई एक साथ मिल गए हैं। अब कुछ लोगों का हो रहा है पेट में दर्द। जी, पवन सिंह का मैं वो दिन नहीं भूल सकता हूँ कि आज भले मैं यादव हूँ चाहे जो भी हूँ, ऑडियंस का प्यार हूँ, मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, मैं मानता हूँ तो दोनों सुपरस्टार को मानता हूँ, और दिखाने का प्रयास करूँगा कि पवन सिंह का ये वीडियो देखिए। अरे बाप रे, तबाही जी प्रणाम। अरे बाप रे, तबाही जी प्रणाम। जी, अरे बाप रे बाप, तबाही जी प्रणाम। ये काफ़ी खुशनसीबी की बात है कि भोजपुरी नशे में एक छोटे से न्यूज़ वाले को, एक छोटे से यूट्यूबर को पवन सिंह ने इतना सम्मान दिया, जो कि हमारे पास 60,000 सब्सक्राइबर थे। पवन सिंह का दिल तो भैया बहुत बड़ा है। पवन सिंह अगर लिया ज़रूरत पड़ेगा गोली खाने के लिए, तबाही पहले खाएगा। कुछ झीलकट मीडियों को, कुछ चोरकट मीडियाओं को हो रहा है पेट में दर्द। बोल रहे हैं राजपूत और हीर कैसे एक हो गया। देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कुछ झोला छाप यूट्यूबर, झोला छाप मीडियाओं को हो रहा है दिक्कत। अब बताइए कि दिक्कत इसलिए हो रहा है कि कल उनका पान का दुकान खुलने वाला है। नचनिया बूढ़ा जाता है तो पान का दुकान ही खुलता है, तो नचनिया बन गए हैं कुछ यूट्यूबर, बनना भी चाहिए। नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई छोटू तबाही, और आज बहुत ही खुशी की बात है कि बड़े भैया पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक हो गए हैं। जी, करण अर्जुन को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक हो जाएंगे तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई सुपरस्टार दूसरा हो सकता है, क्योंकि आप ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार हैं। लेकिन कुछ लोगों का पेट में दर्द काफ़ी हो रहा है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक हो गए तो अब हमारा क्या होगा, यानी कि कुछ यूट्यूबर का कहना है। बिल्कुल, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अगर एक हो जाते हैं, हो गए हैं, तो यूट्यूबर का क्या होगा? वही होगा जो नचनिया एक कहावत कहा गया है कि नाचने वाली जब बूढ़ा जाती है तो पान का दुकान खोला जाता है, तो वही पान का दुकान खोलेंगे यूट्यूबर कुछ लोग। बिल्कुल सही है। लेकिन काफ़ी खुशी की बात यह है कि बड़े भैया पवन सिंह का एक गाना काफ़ी रील्स पर ट्रेंड कर रहा है, और स्टेज शो के दौरान तोहरा जैसन भाई कहाँ, और खेसारी लाल यादव को अपने गले लगा लेते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। भैया, मैं बात करना चाहता हूँ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के बारे में। पवन सिंह का मैं रियली दिल से कभी विरोध नहीं किया हूँ, ना खेसारी लाल यादव का विरोध किया हूँ। मैं सभी को, दोनों सुपरस्टार को मैं बार बार बोलता था कि मैं मानता हूँ दोनों को, तो बराबर मानता हूँ, इसलिए कि पवन सिंह हमारे दिल में है, खेसारी लाल हमारे दिल में है। लेकिन कुछ लोग यूट्यूबर जो हैं भावनाओं में आकर बहकर एक दूसरे सुपरस्टार को गाली गलौज करके, अनाप शनाप करके, फैमिली मैटर से लेके न जाने कहां कहां तक गुजर जाते हैं। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव एक हो गए हैं, अब कहां जाएंगे आप? अब खेसारी लाल यादव की तारीफ करने में तो आपको बहुत शर्म आएगी, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव अगर एक हो गए और एक रहेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी उन लोगों की नाम होगी, चर्चाएं होंगी, और काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, नए नए कलाकारों को उभरने का मौका मिलेगा। लेकिन वैसे फेसबुक या गुंडे, वैसे यूट्यूबर को मौका नहीं मिलेगा कि पवन सिंह के ऊपर उंगली उठा सके, खेसारी लाल यादव के ऊपर उंगली उठा सके। ठीक है, मैं यादव हूँ, बात की बात है, मैं रिपोर्टर हूँ, अगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव गलत करेंगे तो मुझे एक चश्मा से देखना है दोनों को, और मैं विरोध करता हूँ। लेकिन अगर पवन सिंह गलती करेंगे, अगर खेसारी लाल यादव गलती करेंगे, मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं हूँ, बात है क्लियर, क्योंकि तबाही किसी का चट्टे बटे और गुलाम नहीं है। लेकिन बहुत खुशी हुआ, लेकिन मैं सबसे विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भैया रवि किशन जी को, जो कि दोनों भाई को मिलाकर और एक हाथ में हाथ, दोनों के हाथ थाम कर और दोनों को मिलाने का प्रयास किए, तो सबसे बड़ा इसमें श्रेय जाता है रवि किशन जी को। अच्छा, अब खेसारी लाल यादव जी के राइटर हैं अखिलेश कश्यप, मैं उनको इसलिए विशेष धन्यवाद करूंगा कि खेसारी लाल यादव के अच्छे समय में, बुरे समय में,
अखिलेश कश्यप का योगदान और साथ अहम रहा है, तो अखिलेश कश्यप का योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है। अब बात रह गया रवि किशन और मनोज तिवारी का, तो मनोज तिवारी और रवि किशन दोनों जिस तरीके से अपने धर्म को निभाए हैं, बड़े भाई होने का फर्ज निभाए हैं, अब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को निभाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से रवि किशन और खेसारी लाल, एक कहावत कहा गया है कि ब्राह्मण पूजा भी कराता है और श्राद्ध भी कराता है, यानी कि ब्राह्मण प्रेम भी बढ़ता है और नफरत भी बढ़ता है। यानी कि रवि किशन और मनोज तिवारी भैया को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे एक बड़े भाई हैं टूटू यादव जी, बड़े भाई का हमेशा आदेश आया है बेटा इंडस्ट्री में कुछ भी होगा, बाबू इंडस्ट्री में कुछ भी होगा, पवन सिंह के खिलाफ तुम नहीं जाना। इसलिए नहीं जाना कि आप ये देख रहे हैं वीडियो, पहले देख लिए। अरे बाप रे, तबाही जी प्रणाम। अरे बाप रे बाप, तबाही जी प्रणाम जी। जिंदगी में यूट्यूबरों को सामान मिला होगा पवन सिंह की तरफ से, लेकिन वो सामान नहीं मिला होगा जो कि बड़े भैया पवन सिंह तबाही को स्पेशल बोले थे। तो इस दिन को मैं नहीं भुला सकता। पवन भैया का ये बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर कि तबाही जैसे लड़के को उन्होंने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, काफ़ी खुशी की बात है। बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी का मैं इसलिए नहीं भुला सकता हूँ कि जब मेरे पास 300 सब्सक्राइबर थे तो वही अखिलेश कश्यप बाबा इंटरव्यू दिए थे जो कि खेसारी लाल यादव का टीम था। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये बड़े बड़े सुपरस्टारों का आशीर्वाद हूँ, लेकिन कुछ यूट्यूबर का पेट में दर्द हो रहा है। राजपूत अहिर यादव यानी कि अहिरान बबुआन, ये कैसे हो गए? बिल्कुल एक होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है अहिरान बबुआन दोनों कमेंट में एक दूसरे को भर भर के गालियाँ देते थे और काफ़ी नाराज़गी और आक्रोश का सामना झेलना पड़ता था यूट्यूबरों को, सभी लोगों को। लेकिन हाँ, कुछ यूट्यूबर ऐसे भी थे कि मैं बार बार बोलने का प्रयास किया था भाई लोग समझो यूट्यूबरों का बंटवारा हो रहा है, लेकिन वो नहीं समझे तो आज वो काम से गए। लेकिन हम लोग न्यूज से हैं, हम लोग सभी का न्यूज कवर करते हैं, सभी छोटे बड़े सुपरस्टारों को प्रमोट सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं और पॉलिटिक्स में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा कवर करते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में खास करके विवाद ना हो। हाँ, पॉलिटिक्स में अगर राजनीति में विवाद होते हैं तो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। एक बात और, पवन सिंह गलती करें या फिर खेसारी यादव गलती करें, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा भैया, क्योंकि मैं एक निष्पक्षता से काम करता हूँ। हमारे ऑडियंस जितने भी हैं, ऑडियंस जिंदा ऑडियंस है, पढ़े लिखे ऑडियंस है, अनपढ़ ऑडियंस और गंवार ऑडियंस नहीं है। इसलिए मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैं अपने ऑडियंस को समझाने में कामयाब रहा और सच्चाई सामने आई कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक हो गए। तो इससे बड़ा खुशी का दिन क्या हो सकता है? तो आप भी पार्टी कीजिए, आप भी इंजॉय कीजिए, आप भी खुशी मनाइए। लेकिन हाँ, अगर दोनों सुपरस्टार में फिर झगड़ा होती है, विवाद होती है, तो ज़रूर आप दिखाइए, लेकिन किसी सुपरस्टार को नीचा नहीं दिखाइए, किसी सुपरस्टार को ऊंचा मत दिखाइए, किसी के सुपरस्टार के माँ बहन का गाली मत दीजिए, किसी सुपरस्टार के फैमिली पर मत जाइए। अगर आप जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि एक बात और मैं बताने का प्रयास करूँगा, पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो, अगर कोई एक दूसरे सुपरस्टार को कोई अनाप शनाप बोलने का प्रयास करेगा, उनके फैमिली मैटर पर जाने का प्रयास करेगा, उनके बेटी बहनों को टारगेट करेगा, तो उन पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब बारी है यूट्यूबरों की, क्योंकि यूट्यूबरों को पवन खेसारी छोड़ने वाले नहीं हैं दूसरे का। लेकिन सबसे बड़ी बात, खुशी की बात एक बात है, मैं पवन सिंह को इसलिए विशेष मानता हूँ, बड़े भैया पवन सिंह को कुछ यूट्यूबरों को मिला के अपने सपोर्ट में लाए, कुछ यूट्यूबरों को विरोध में, हालांकि पवन सिंह का विरोध कोई करता नहीं है जल्दी और करना भी नहीं चाहिए, और बाद में पवन खेसारी दोनों एक हो गए तो पहचान में आते हैं कि कौन किसके यूट्यूबर हैं और कौन क्या है नहीं है। जतिवाद करने वाले का दुकान तो बिल्कुल बंद होगा और उन्हें पान का दुकान खोलने पर मजबूर कर देंगे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी। अब एक बात और है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का बहुत जल्द एक फिल्म आने वाला है, दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। क्योंकि मैं हवा में तीर नहीं चलाता हूँ और तीन पाँच नहीं बतियाता हूँ, पवन सिंह खेसारी लाल यादव का बहुत जल्द एक फिल्म आएगा, बहुत बड़ा फिल्म आएगा, या तो हो सकता है वो फिल्म का नाम करण अर्जुन ही हो जाए, या फिल्म का सॉरी मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि फिल्म में क्या नाम होंगे, चाहे कौन से फिल्म होंगे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का एक साथ में, और पवन सिंह खेसारी लाल लंदन में बहुत जल्द दिखेंगे,
जो कि पवन सिंह और खेसारी लाल लंदन में फिल्म को शूट करने वाले हैं, और साथ में आ गए हैं भैया काजल रघवानी खेसारी लाल यादव के साथ में। तो अब जोड़ी काफ़ी देखने को मज़ा आएगी, जोड़ी देखने के लिए लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं ऑडियंस, जो कि मैं उसका चर्चा बाद में करूँगा। लेकिन पवन खेसारी लाल यादव का, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी का मिलना सही था या गलत था, ये ऑडियंस जवाब में देगी। और सबसे विशेष मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वो ब्राह्मण कुल के देवता समान हमारे बड़े भैया रवि किशन और मनोज तिवारी बड़े भैया, दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि रवि किशन और मनोज तिवारी ने भोजपुरी इंडस्ट्री को समझा और दोनों कलाकारों को एक करने का प्रयास किया। अभी देखना ये होगा कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का भाईचारा कब तक बना रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक बनेगा, ये कहना कुछ मुश्किल होगा, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है, कौन कहाँ जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मैं आज तक दोनों सुपरस्टारों का कभी खिलाफ नहीं किया था, ना कभी विरोध किया था और ना कभी विरोध करूँगा, तो काफ़ी अच्छा लगा। और पवन सिंह का एक सराहनीय बात मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उनकी ये बातें जो होती है ऐतिहासिक लकीर हो जाती है कि ज़िंदगी में खटास मिठास होते रहती है, लेकिन आज कि मैं बिल्कुल भोला भाला इंसान हूँ और बिल्कुल पवन सिंह भोले भंडारी भोला भाला इंसान है। और पवन सिंह का मैं एक समय बता दूं कि जब उनकी रंगली चुनरिया जब फिल्म आई थी, रंगली चुनरिया तोहरे नाम कांच का शैली, उस समय पवन सिंह औरंगाबाद जिला के ब्रेम संतन सिंह के यहाँ जाया करते थे, जो कि संतन सिंह वहाँ का नामी गिरामी ब्रेम का हस्ती आते हैं, हस्ती माने जाते थे। आज संतन सिंह हमारे बीच में नहीं है, तो पवन सिंह का करियर का शुरुआत वहीं से हुआ था, पवन सिंह वहीं जाने का काम करते थे और जाने का प्रयास करते थे, जाते भी थे। और पवन सिंह को हम लोग आज से नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ सरस्वती पुत्र पवन सिंह हैं और ट्रेंडिंग स्टार पवन स्टार खेसारी लाल, यानी कि दोनों धरती का पुत्र हैं। और खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जमीन से लेकर और भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा पिलर हैं, तो इस सुपर स्टारों को मान मर्यादा इज्जत सम्मान किस तरीके से बरकरार रखा जाए सोचना आपको और हमको होगा। हाँ कुछ फेसबुकीय गुंडे हैं जो कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, भैया प्रयास बंद कीजिए, क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव हो गए हैं एक, हो सकता है कल आप रेल ले ना जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा ही बोलने का प्रयास नहीं करूँगा। तो चलिए अहिरान बाबूवान एक हो गया तो फिर सोचना क्या है, हालांकि अहिरान बाबूवान के साथ साथ पंडितान चाहे जितने भी समाज हैं सबकी अपनी क्षमता है। हाँ अगर कोई समाज में किसी भी समाज में कोई गलती दुष्प्रचार करने का प्रयास करेगा मैं उन्हें दिखाने का प्रयास करूंगा, और जिन्हें जातीय कीड़े काटेगा मैं उन्हें रेलने का भी प्रयास करूंगा, क्योंकि तबाही किसी के बाप से आज तक नहीं डरा है और ना कभी डरेगा। तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का एकता कैसा आप लोगों को लगा, कमेंट सेक्शन में आप जवाब जरूर देंगे। और पवन सिंह खेसारी लाल यादव काफ़ी गर्मजोशी मिजाज से मिले हैं एक दूसरे से, तो मैं यही पर चर्चा करना चाह रहा था। बाकी पवन सिंह खेसारी लाल यादव जी के लिए मैं लगातार कवरेज करूंगा, अभी सभी सुपरस्टारों को जानने का प्रयास करूंगा कि सबकी राय क्या है। हाँ पवन सिंह हो या फिर खेसारी लाल यादव हो, अगर उनके खिलाफ में कोई बोलेंगे मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि भैया मैं सिर्फ अच्छा अच्छा ही नहीं दिखा सकता, क्योंकि नाम तबाही हमारा है सच्चाई दिखाना। तो फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोटू तबाही और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ भोजपुरी।